हे फ्रेंड्स, आप लोगों को तो पता ही होगा एयरटेल और जियो ने हमें वाईफाई कॉलिंग की सुविधा दे दी है। वाईफाई कॉलिंग या फिर वीओ वाईफाई भी इसे हम कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग की आइकन आ रही होगी। दोस्तों, आप देख सकते हैं यही है वाईफाई कॉलिंग का आइकन, वाईफाई के नीचे फ़ोन का आइकन बना हुआ है। तो दोस्तों, वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध हो गई है हमारे देश में भी। तो आज की इस वीडियो में आपको इसके कुछ फ़ायदे बताने वाला हूँ और आपको इसे कैसे एक्टिवेट करना है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यार दिखाते हुए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भदानी टेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले वाईफाई कॉलिंग एक्टिवेट करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च का आइकन दिख रहा होगा। दोस्तों, अगर सर्च के आइकन में से आपको मिल जाता है वाईफाई कॉलिंग सर्च कर लीजिएगा, या फिर वीओ वाईफाई अगर आ जाता है तो ठीक है दोस्तों, या फिर अगर नहीं आता है तो आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स में चले जाना है। अगर आपको सर्च बार में नहीं मिल रहा है तो सिंपली दोस्तों, ये मेरा रेडमी K20 प्रो फ़ोन है दोस्तों, तो इसमें मेरा वाईफाई कॉलिंग एक्टिवेट हो चुका है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे रेडमी ने इन फ़ोन्स पे वाईफाई कॉलिंग की सुविधा दे रखी है। दोस्तों, उसके बाद आपको एयरटेल या फिर जियो का आपका अगर सिम है, कोई भी सिम है, अगर एयरटेल का एयरटेल पे, जियो का सिम है तो दोस्तों जियो पे। मेरे पास दोनों एयरटेल और जियो दोनों है दोस्तों, तो मैं सिंपली जियो पे चला जाता हूँ। और दोस्तों, आपको यूज़ वीओ LTE भी एक्टिवेट कर लेना है। ये नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका वाईफाई कॉलिंग एक्टिवेट नहीं होगा। और दोस्तों, नीचे में आपको मेक्स कॉल यूजिंग वाईफाई दिख रहा होगा दोस्तों, एक मिनट इसे फोकस में देख सकते हैं दोस्तों, आपको इसे भी एक्टिवेट कर लेना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो सिंपली दोस्तों, आप जब किसी को भी दोस्तों कॉल करोगे तो सबसे पहला बात, आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा होनी चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात, सामने वाले बंदे का भी वाईफाई कॉलिंग की सुविधा उस फ़ोन में होनी चाहिए और दोनों फ़ोन वाईफाई के किसी भी ब्रॉडबैंड वाईफाई से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी दोस्तों वाईफाई कॉलिंग काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने वाईफाई के थ्रू कॉल किया था ये यहाँ पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा वो वाईफाई। तो ये मैंने वाईफाई कॉलिंग के थ्रू बात किया था जो कनेक्ट नहीं हुआ था। और नीचे दोस्तों VoLTE दिख रहा होगा बाकी दोनों। तो दोस्तों, जो दोनों VoLTE दिख रहा है वो सिम के थ्रू मैंने बात किया था और वो वाईफाई है जो मैंने वाईफाई कॉलिंग के थ्रू बात किया था। तो दोस्तों, इसके मैं एडवांटेजेस बताऊं तो दोस्तों बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। मान लीजिए आपके घर में नेटवर्क नहीं आता है और आपको किसी से बात करना होता है, आवाज़ कट कट के वगैरह जाता है, तो आप अगर वाईफाई कॉलिंग के थ्रू बात करोगे तो दोस्तों आपका नेटवर्क से नहीं, सीधा वाईफाई के थ्रू आपका बात होगा और काफ़ी HD कॉलिंग में बात होता है दोस्तों, आवाज़ एकदम नहीं कटता है। मैंने इसे यूज किया है तो दोस्तों यही इसका फ़ायदा है। मगर दोस्तों, दोनों फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा होनी चाहिए। और दोस्तों, तो अभी ये सुविधा सभी फ़ोन्स में नहीं आई है, जैसे रियलमी वगैरह में नहीं है, कुछ फ़ोन में भी एक्टिवेट नहीं है। रियलमी ने बोला है कि वो जो अभी लेटेस्ट रियलमी का अपडेट आएगा एंड्रॉयड 10 के साथ में, उसमें आपको वाईफाई कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों, बस वीडियो मुझे आपको बताना था कि वाईफाई कॉलिंग कैसे यूज करना है, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, वही बताना था इस वीडियो में। और हाँ दोस्तों, आप एयरप्लेन मोड में डाल के फ़ोन से बात नहीं कर सकते हैं, आपके नंबर से ही बात होता है। और आप सोच रहे हो कि यार पैसा वैसा तो नहीं लगेगा वाईफाई कॉलिंग करूँगा, तो नहीं दोस्तों, सब वही पैसा लगेगा आपका जितना कॉलिंग है, जो आप टैरिफ अपने फ़ोन में डलवाए हुए हैं उसी से बात होगा, आपका पैसा उतना ही लगेगा। बस वाईफाई के थ्रू बात होगा तो आपको कॉलिंग की आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। आप ऐसा नहीं कि फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल के बात कर सकते हैं, ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। तो बस दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल है इस वाईफाई कॉलिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपका चैनल से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाना ना भूले, जिससे कि जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा मैंने टेक्निकल वीडियो अपलोड किया है दोस्तों। और आप लोगों का फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकित भदानी आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।